बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान सा और बहुत ही मज़ेदार सा ज़ेब्रा केक, जो बहुत ही झटपट घर में रेडी हो जाता है। तो ज़ेब्रा केक बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो है ये। हमने यहाँ पर लिया है 2 अंडे, 1/2 कप ऑयल, 1 कप शुगर और यहाँ लिया कोको पाउडर तकरीबन 2 टेबल स्पून और यहाँ हमने लिया है 1.5 कप मैदा और यहाँ हमने लिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 चुटकी ली है हमने यहाँ पर नमक और यहाँ हम लेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। तो चलिए ज़ेब्रा केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अंडे ऐड करेंगे और अंडे हमें रूम टेम्परेचर ही लेना है और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर हमने लिया है शुगर पाउडर, अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्लेंडर में डालकर उसको अच्छे से पाउडर बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है इलेक्ट्रिक बीटर, आप चाहें तो हैंड बीटर से भी इसे अच्छा सा बीट कर सकते हैं और हमें इसको बहुत ज़्यादा बीट करना है ताकि अच्छा से ये दोनों एक जहाँ हो जाए। तो यहाँ पर अभी हमने 1/2 डाला है जो पाउडर शुगर है, वो अभी हमने 1/2 ऐड किया है, अभी 1/2 हम बाद में ऐड करेंगे। तो बस अब हम जो हमारा 1/2 बचा है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छा सा इसको बिल्कुल बीट करेंगे अच्छे से। तो ऐसा ऐसे डालकर हम इसमें अच्छा सा शुगर को बिल्कुल अच्छा सा बीट करना है हमें ताकि अच्छा सा ये बिल्कुल मिक्स हो जाए, इसमें कोई लम्स ना हो या गुठलियाँ ना बने। तो बस इसको अच्छा सा बीट करना है। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छा सा बीट करा है, अब हम इसी के साथ ऑयल जो है हमारा वो इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छा सा बीट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छा सा इसको बीट कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस तकरीबन 1 टीस्पून। तो बस इसको भी अच्छा सा बीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छा सा बीट कर लिया है, अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम अभी 1/2 ऐड करेंगे और फिर अच्छा सा इसको बीट करेंगे। ये जितना अच्छा सा बीट होगा उतना ही अच्छा हमारा केक रेडी होगा। तो हमें इसको बहुत ही अच्छा सा बीट करना है। तो यहाँ पर जो हमारा 1/2 बचा है वो भी हम ऐड कर देंगे और इसे भी बहुत अच्छे से बीट करेंगे। हमें इसको इतना अच्छा बीट करना है कि इसमें कोई लम्स ना बने, क्योंकि जितना अच्छा बीट होगा उतना ही अच्छा हमारा केक रेडी होगा। और ये तीनों चीज़ें भी हमने इसके साथ ही हमें ऐड करनी है और उसको अच्छा सा बीट करना है। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छा सा बीट कर लिया है। तो यहाँ पर जो हमारा बैटर है वो थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूध जो है वो ऐड करूँगी। अगर आपको सही लगता है तो आप नहीं कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा और हमें, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा पतला करना था, तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून दूध लिया है। तो इसको हम मिक्स करके देखेंगे कि हमारा जो बैटर है वो रेडी हुआ है या नहीं। तो बस अगर हमें और ज़रूरत होगी तो हम और लेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हमने सिर्फ 4 टेबल स्पून लिया है। तो अच्छा सा इसको बीट करके देखते हैं कि हमें हमारा जो बैटर है वो परफेक्ट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर हमने अच्छा सा बीट कर लिया है, आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो बीटर का काम है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसे साइड पर रखेंगे और हमारा जो आगे का प्रोसेस है हम वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो इस तरीके से है, आप देख सकते हैं, और इस तरीके से ही रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक बॉल और लिया है और इसको हम 1/2 जो है इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमें इसमें 1/2 इसको ऐड करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको अच्छा सा इसमें ऐड कर लिया है, अब हम इसे साइड पे रखेंगे। और हमने जो कोको पाउडर लिया था 2 टेबल स्पून, अब वो हम यहाँ लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कोको पाउडर है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो बस यहाँ पर हम इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो कोको पाउडर है वो अच्छा सा हमारे बैटर में मिक्स हो जाए इस तरीके से।
तो यहाँ पर हमारा जो कोको पाउडर अच्छा सा मिक्स हो गया है मेरे बैटर में, आप देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा थिक लग रहा है तो आप यहाँ पर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे दोनों बैटर रेडी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम लेंगे, हाँ, हमारे पास जो केक टीन है इस तरीके का हमने ले लिया है। हमने यहाँ पर बटर पेपर नहीं लगाया है, थोड़ा सा ऑयल लगाकर हमारा जो मैदा है वो डस्ट किया है, तो इसलिए हमें बटर पेपर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो केक टीन है बिल्कुल रेडी हो चुका है, हमारा जो दोनों बैटर है वो भी रेडी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम एक एक स्पून लेंगे और इस तरीके से हम इसमें ऐड करते जाएँगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल बैटर है वो ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हमारा चॉकलेटी बैटर है वो ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम वन बाय वन इस तरीके से इसमें ऐड करते जाएंगे और इसी तरीके से हमारा जो ज़ेब्रा केक है वो रेडी हो जाएगा। इस स्टेप बाय स्टेप हम इस तरीके से इसमें ऐड करते जाएंगे और इसी तरीके से हमारा जो केक है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने हमारा जो बैटर है वो ऐड कर दिया है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर हम लेंगे एक कबाब स्टिक, आप चाहें तो यहाँ पर टूथपिक भी ले सकते हैं इस तरीके से। तो बस अब हम इसमें एक डिज़ाइन डालेंगे, तो देख सकते हैं आप इस तरीके से हमने सबसे पहले हमने सेंटर में डालना है, फिर उसके बाद हमें इस तरीके से इसको करना है। तो आप इसी तरीके से फॉलो करते जाएँ तो बहुत ही अच्छा हमारा एक फ्लावर रेडी हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से आप इसमें डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा कितना प्यारा सा फ्लावर बन के रेडी हो चुका है। तो बस अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर हमने पहले से एक पतीला गर्म करने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पर हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पर हमने सिर्फ नॉर्मली स्टेन लगाया है और इस तरीके से हमने इसको गर्म होने पहले से रख दिया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत ध्यान से आप इसमें रख दीजिएगा और इस तरीके से हम इसको इसमें रख देंगे और तकरीबन 40 मिनट के लिए इसको बेक होने के लिए रख। तो मिलते हैं 40 मिनट बाद। यहाँ पर जो हमारा केक है वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं, हमने यहाँ पर इस तरीके से हमें चेक करना है कि हमारा जो केक है अच्छा सा बेक हुआ है नहीं हुआ है। तो आप किसी भी चीज़ से इसको चेक कर सकते हैं। तो चलें अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो चलें यहाँ पर हम हमारा जो केक है उसे निकाल लेते हैं, तो हम इसे डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा जो केक है बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये बहुत ही मज़े का बना है, बहुत टेस्टी बना है। मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बना है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो लेयरिंग है कितनी अच्छी आई है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त केक बना है, ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही दिखने में ही खूबसूरत नहीं, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही मज़े का है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये आपको रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।